नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कबड्डी अड्डा में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 का प्लेयर ऑक्शन 15 और 16 अगस्त को होने वाला है। पीकेएल 11 का ऑक्शन काफी इंटरेस्टिंग इवेंट होगा क्योंकि कबड्डी के कुछ बड़े सितारे इस ऑक्शन में उपलब्ध होंगे। टीमों ने पहले ही अपनी योजनाएं और रणनीतियां तैयार कर ली हैं और उन्होंने खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट भी जारी कर दी है। 3 बार की पीकेएल चैंपियन पटना पायरेट्स ने रिटेंशन लिस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने सचिन तंवर और कृष्ण धूल को रिटेन नहीं कर फैंस को चौंका दिया है। पीकेएल 11 के ऑक्शन के लिए पटना पायरेट्स के पास केवल एक फाइनल बिड मैच यानी FBM कार्ड है और वे इसे सचिन या कृष्ण पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पटना पायरेट्स के पास अपने मुख्य खिलाड़ियों में से किसी एक को वापस खरीदने का मौका मिलेगा। अगर पटना पायरेट्स अपने राइट कॉर्नर डिफेंडर कृष्ण धूल को खो देते हैं तो वे शुभम शिंदे के पीछे जा सकते हैं, क्योंकि वह भी एक राइट कॉर्नर डिफेंडर हैं। और अगर वे स्टार रेडर सचिन तंवर को खो देते हैं तो वे पवन सहरावत, प्रदीप नरवाल या मनिंदर सिंह को खरीदना चाहेंगे। वहीं गुजरात जायंट्स एक ऐसी टीम जिसने कई बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है लेकिन अब तक ट्रॉफी नहीं जीत सकी है। पीकेएल 11 के लिए जायंट्स ने अपने 2 कॉर्नर डिफेंडर फजल अतरचली और सोमबीर को रिलीज कर दिया है। उन्होंने अपने प्रमुख रेडरों में से एक सोनू जगलान को भी रिलीज किया है। इन खिलाड़ियों के अलावा बेहतरीन ऑलराउंडर मोहम्मद नबी बख्श को भी जायंट्स ने रिलीज किया है। केवल एक FBM कार्ड के साथ गुजरात जायंट्स अपने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को खोने की स्थिति में है। अगर वे फजल अतरचली को खो देते हैं तो मोहम्मद रजा शादलो लेफ्ट कॉर्नर के लिए उनकी पहली पसंद होंगे। वहीं अगर वे सोमबीर को खो देते हैं तो राइट कॉर्नर के लिए जायंट्स शुभम शिंदे या कृष्ण धूल को खरीदने की कोशिश करेंगे। हेड कोच राम मेहर सिंह के मार्गदर्शन में गुजरात की फ्रेंचाइज डुबकी किंग्स प्रदीप नरवाल को भी खरीद सकती है, क्योंकि इन दोनों की पार्टनरशिप ने पटना पायरेट्स को पीकेएल खिताब जीतने में मदद की है। पीकेएल सीजन 7 के विजेता बंगाल वॉरियर्स ने पीकेएल 2024 के लिए अपनी रणनीति बना ली है। उन्होंने स्टार रेडर मनिंदर सिंह और श्रीकांत जाधव को रिलीज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने राइट कॉर्नर डिफेंडर शुभम शिंदे को भी रिलीज किया है, जिन्होंने पीकेएल 10 में वॉरियर्स के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। केवल एक FBM कार्ड के साथ बंगाल वॉरियर इसे माइटी मनी या शुभम शिंदे पर इस्तेमाल करना चाहेगी। अगर वे मनिंदर को खो देते हैं तो बंगाल वॉरियर्स पवन सहरावत, प्रदीप नरवाल या भरत हुड्डा को खरीदने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी ओर अगर वह शुभम शिंदे को खो देते हैं तो वे कृष्ण धूल या सोमबीर या साहुल कुमार के पीछे जा सकते हैं। पीकेएल 11 के लिए प्लेयर ऑक्शन जल्द ही होने वाला है और यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे फ्रेंचाइज ट्रॉफी जीतने के लिए एक बेहतरीन टीम बना पाएगी। हमें कमेंट करके बताएं कि किस टीम का ऑक्शन सफल रहने वाला है और कौन सी फ्रेंचाइज एक मजबूत टीम बना पाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कबड्डी अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।